नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा होने वाला है और अमेरिका दौरे से पहले न्यूज 18 की टीम न्यूयॉर्क पहुंच गई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका में रह रहे जो प्रवासी भारतीय हैं, उनका उत्साह कितना है, न्यूयॉर्क से न्यूज 18 के अमन शर्मा की जरा ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 3 दिवसीय यात्रा पे अमरीका और न्यूज 18 इंडिया है अमरीका में ये देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान क्या क्या कहते हैं और किस किस से मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले डेलावेयर जाएंगे जो यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन का होम टाउन भी है। यहाँ पे क्वाड लीडर समिट होगा और जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच एक अलग से मुलाकात भी होगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आएंगे जहाँ पे लॉन्ग आइलैंड में एक बड़ा डायस्पोरा इवेंट रखा गया है जहाँ पे मोदी भारतीय मूल के जो अमरीकी हैं उनको 24,000 लोगों ने ऐसे रजिस्टर किया है जिनको मोदी जी अपना अपना भाषण देंगे और यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट है न्यूयॉर्क में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी इवेंट को लेके नरेंद्र मोदी के। 23 सितंबर को नरेंद्र मोदी UNGA के समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत करेंगे जहाँ पे मोदी अपना एक भाषण देंगे और इस भाषण के बाद नरेंद्र मोदी की कई वर्ल्ड लीडर से बायलैटरल मीटिंग्स हो सकती हैं। उसके अलावा US CEOs का एक राउंड टेबल भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि कैसे भारत में इन्वेस्टमेंट को और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अमन दूत बनकर भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी रशिया और यूक्रेन की यात्राएं की हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी एक अमन का पैगाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दुनिया को देना चाहेंगे कि रशिया और यूक्रेन और इजराइल और पैलेस्टीन के युद्ध को अब विराम मिलना चाहिए।